सो हे गाइज वेलकम बैक गाइज, जैसे मैंने आपके सामने स्टार्टिंग वीडियो को प्ले किया, आपने इस वीडियो को देखा गाइज, इस तरह का फ्रेंड्स का वीडियो अपना क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, तभी आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो को किस एप्लीकेशन में एडिट करना होगा, तो आपको साइड में काइनमार्श एप्लीकेशन दिखाई दे रहा होगा, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यार इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज इस तरह के कंटेंट मिलने वाले हैं। तो गाइज चलिए यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा काइनमार्श ओपन हो चुका है, आपको प्लस के पे जाना होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले फॉर्मेट को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का इंटरेस्ट मिल जाएगा, मीडिया के ऊपर क्लिक करना होगा आपको और यहाँ पे एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे एक फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको करना क्या होगा, फोटो जूम आउट जूम इन हो रही है तो आपको फोटो पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने वाला आपको स्क्रीन पे दो बार टैप करना होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेना होगा, बस आपको इतना काम करना होगा और यहाँ पे आपको बराबर पे क्लिक कर देना होगा, बराबर पे क्लिक करना होगा, कुछ इस तरीके से बराबर पे मैंने कर दिया है। अब आपको करना है इसकी ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक लेके जाना होगा, यहाँ पे लगभग 20 सेकंड तक आपको लेके जाना होगा, कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। फिर से आपको स्टार्टिंग पोजिशन पर आना होगा, लेयर के ऑप्शन पर जाना होगा, यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना होगा, बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, फर्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, तो यहाँ पे आपको ब्लर यहाँ पे शो करेगा, तो आपको इसको जूम कर लेना होगा, कुछ इस तरीके से जूम कर लेना होगा। यहाँ पे ब्लर पे फिर से क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोर पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और इस ब्लर को यहाँ पे ड्यूरेशन को लास्ट तक लेके जाना होगा, जहाँ तक आपकी फोटो एंड हो रही है। तो गाइस यहाँ पे इतना काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा, उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ पे एक टेम्पलेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर देना होगा। तो उस टेम्पलेट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने उस टेम्पलेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा, यहाँ पे फुल स्क्रीन पे कर देना होगा, जैसे मैंने फुल कर दिया है आपको टेम्पलेट पे फिर से क्लिक करना होगा, नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा, यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने वाला आपको नीचे की तरफ जाना होगा, यहाँ पे स्क्रीन कर देना होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब वो करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, मीडिया पे जाना होगा, यहाँ पे गैलरी के इंटरेस्ट पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा, जिसे मैंने इस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, इसको यहाँ पे जूम आउट करके इस फॉर्मेट के अंदर आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना होगा। तो मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से एक बार सेट कर लेता हूँ, इस तरीके से आपको फॉर्मेट में सेट करने बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्लाइड करना होगा, यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने बाद आपका जितना फॉर्मेट है उतना यहाँ पे क्रॉपिंग कर लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको करना क्या होगा, टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा, थ्री डॉट पे जाना होगा, इसको फ्रंट में कर देना होगा, यहाँ पे फोटो आपकी टेम्पलेट के पीछे पीछे की तरफ यहाँ पे चली जाएगी। और अगर आपकी फोटो फिर भी सेट नहीं हुई तो आपको करना क्या होगा, फिर से आपको यहाँ पे फोटो पे क्लिक करना होगा, कुछ इस तरीके से फोटो पे मैंने जैसे क्लिक किया इसको थोड़ा बहुत रोटेट कर देना होगा या फिर जूम कर लेना होगा, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेना होगा, इसके ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक लेके जाना होगा, जहाँ तक आपकी सभी फोटोज एंड हो रही है। फिर से आपको लेयर पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा, एक फोटो को फिर से एक और सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे मैंने इस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, रोटेट करना होगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको इसी में यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर लेना होगा, दूसरे फॉर्मेट में आपको फोटो को लगा लेना होगा, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट की साइज में आपको फोटो को लेके आना होगा और आपको नीचे से यहाँ पे क्रॉप कर लेना होगा। तो यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना होगा, नीचे से आपको जितना आपका फॉर्मेट की साइज़ है उतना यहाँ पे क्रॉप कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैंने क्रॉप कर लिया है, अब आपको करना क्या होगा, फिर से आपको टेम्पलेट पे क्लिक करना होगा, इसको फ्रंट में कर लेना होगा, जैसे मैंने फ्रंट में कर लिया, और आपको उसी फोटो पे क्लिक करना होगा जैसे मैंने इस फोटो पे फिर से क्लिक किया, और इसको जूम यहाँ पे जूम करके आपको यहाँ पे फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से परफेक्टली करके दिखा दिया, मैं सभी में नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं एक बार यहाँ पे जल्दी से कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी में फोटोज को लगा दिया, आपको वीडियो को चलाकर दिखाता हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट आपसे। तो गाइस आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको यहाँ पे काफ़ी ऑसम लगा होगा, शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना।